हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। दफ्तरों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।